मुशी फेलो नाकामा कल्चर नाकामा के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे चॉपर के डेविल फ्रूट का ट्रू पोटेंशियल लेकर एंड कैसे ओडा सेंसे हमें ह्यूमन डेविल फ्रूट को लेकर मिसगाइड करते आ रहे हैं। एडिटर रोल द इंट्रो। सबसे पहले ओडा सेंसे का SBS में दिया कोटेशन से शुरू करते हैं। तो ओडा सेंसे ने कहा था कि ह्यूमन डेविल फ्रूट उसके यूजर को मोन ह्यूमन लाइक बना देता है, बट अनलाइक एनी अदर जोन फ्रूट यूजर हमने कभी भी चॉपर को फुल ह्यूमन फॉर्म में देखा ही नहीं है, जबकि अदर जोन फ्रूट यूजर्स लाइक एक्सट्रक एंड काइडो उनके जोन फ्रूट मॉडर्न एलिमेंट में फुल्ली ट्रांसफॉर्म हो पाते हैं। चॉपर का ऑलमोस्ट ह्यूमन लाइक ट्रांसफॉर्मेशन भी एक्चुअल ह्यूमन से बहुत ही अलग लगता है, मेनली फरी कॉलर की वजह से। उसका ये ट्रांसफॉर्मेशन इवन मिंग से भी सिमिलर नहीं है, बट ये फॉर्म जाया आर्क से मशीरा के साथ मैच करता है, जो मिंग तो नहीं है बट मॉडर्न ह्यूमन भी नहीं है। जाया आर्क में हमें आउट ऑफ द ब्लू दो ऐसे कैरेक्टर्स दिखाए गए जो मंकी लाइक एंशियंट ह्यूमन से रिजेंबल करता है, एंड ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। उसके ऊपर चॉपर का हाइब्रिड ब्रेन पॉइंट फॉर्म भी कोई भी बाकी जोन फ्रूट यूजर के हाइब्रिड फॉर्म के जैसा नहीं है। अब रिटर्न जाते हैं ओडा सेंसे के कोटेशन पे। तो मोर ह्यूमन लाइक का मतलब क्या है? ह्यूमन एक ऐसा स्पीसीज है जिसमें डेस टू डेस ह्यूमंस एक दूसरे से बहुत डिफर करते हैं। तो ट्रू ह्यूमन लाइक बोल के क्या कुछ एग्जिस्ट करता है, एंड क्या होगा अगर कोई ह्यूमन ने ह्यूमन डेविल फ्रूट खा लिया? तो ये सब क्वेश्चंस के बेसिस पर अब आते हैं हमारे एक्चुअल थ्योरी में। तो एनिस लॉबी आर्क से हमें CP9 के थ्रू सेमी किकन के बारे में जानने को मिला था, जिस पावर के मदद से CP9 मेंबर उनके बॉडी को अपने हिसाब से फिजिकली मॉडिफाई कर पाता था, एंड इस पावर को चॉपर बायोफीडबैक के साथ कंपेयर करता है। एंड अकॉर्डिंग टू साइंस, बायोफीडबैक के थ्रू एक ह्यूमन वॉलंटियरी कंट्रोल गेन कर सकता है अपने बॉडी पर एंड बॉडी फंक्शन पर। मतलब एक इंसान अपने मर्जी से अपने बॉडी का हर एक मसल, हर एक न्यूरॉन्स को कंट्रोल कर सकता है। तो शायद से चॉपर का डेविल फ्रूट भी एक्चुअली इस पावर पर बेस्ड है, एंड इसका काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन हमें चॉपर की इंट्रोडक्शन से ही दिया जा रहा है पूरे वन पीस के स्टोरी में। जैसे चॉपर का हेवी पॉइंट रिसेंट टाइम के मोस्ट पावरफुल ह्यूमन लाइक मशीरा से मिलता है, उसका कुंग फू पॉइंट टोरिनो किंगडम के लोगों से मिलता है, इवन उसका मॉन्स्टर पॉइंट येटी कुल ब्रदर्स से मिलता है जिन्हें हमने पंख हजार में देखा था। तो शायद चॉपर का डेविल फ्रूट उसे उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोस्ट सुटेबल लिविंग ह्यूमन के लीनियज पावर दे देता है। मतलब कि चॉपर कोई भी लिविंग ह्यूमन का पावर, फॉर्म एंड इवन उनके जेनेटिकली एक्वायर्ड पोटेंशियल्स तक कॉपी कर पाता है, एंड ये चीज उसका यूनिक जोन टाइप ट्रांसफॉर्मेशन को बखूबी एक्सप्लेन भी करता है। इसका और एक एक्सप्लेनेशन ये भी है कि चॉपर का ब्रेन पॉइंट कोई हाइब्रिड फॉर्म नहीं, बल्कि उसका बाय डिफॉल्ट चूज किया हुआ मोस्ट इंटेलिजेंट लिविंग पर्सन का लीनियज है, एंड वो लिविंग पर्सन है डॉक्टर वेगापंक शायद से। एंड पोस्ट टाइम स्किप हमने देखा है दैट हर एक आर्क कोई ना कोई स्ट्रॉ हैट पायरेट के साथ लिंक्ड है, जैसे होल केक आइलैंड सांजी के साथ, वानो जोरो के साथ, एल्बा फुसुपक के साथ लिंक्ड होने वाला है, जो लेकर हमने हमारे इस वीडियो पर बात किया था। तो सिमिलरली डॉक्टर वेगापंक का आर्क बोथ फ्रेंकी एंड चॉपर के साथ लिंक्ड होने वाला है। एंड हमें यह भी पता है ओडा सेंसे कितना बड़ा ट्रोल है, तो इससे फनी क्या होगा दैट वर्ल्ड का मोस्ट बैडेस्ट साइंटिस्ट का अपीयरेंस चाइल्ड लाइक है। दो ये फर्स्ट टाइम नहीं होगा, इससे पहले भी ड्रेसोसा आर्क में हमने सुकर को देखा था जो चाइल्ड लाइक होती हुए भी वन ऑफ द मोस्ट क्रीपी एंड बैडेस्ट पावर होल्ड करती थी। एंड अब अगर चॉपर का बात करें तो उस डॉक्टर से बड़ा डॉक्टर और कौन हो सकता है जो खुद के पेशेंट का जेनेटिक लीनेज कॉपी करके अपने पेशेंट को परफेक्ट डोनर स्टेम सेल्स ट्रांसफर कर पाए। एंड चॉपर का वर्ल्ड बेस्ट डॉक्टर बनने का ड्रीम एंड उसका ये यूनिक डेविल फ्रूट पावर कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अगर आपको ये थ्योरी पसंद आया हो तो लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और भी ऐसे थ्योरीज जानने के लिए। ना